टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने के बाद देश भर के पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन नाराज चल रहे हैं। पेट्रोल पंप चलाने वालों का कहना है कि अचानक दाम में भारी कटौती कर देने से उन्हें नुकसान हुआ है। इस कारण पेट्रोलियम डीलर्स कल मंगलवार यानी 31 मई को खुलकर विरोध जाहिर करने वाले हैं। इसके तहत डीलर्स ने सरकारी तेल कंपनियों से मंगलवार को पेट्रोल डीजल नहीं खरीदने का निर्णय लिया है। वहीं कुछ शहरों में डीलर्स ने मंगलवार को पेट्रोल डीजल नहीं बेचने का फैसला किया है। पेट्रोलियम डीलर्स सरकार से कमीशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। डीलर्स का कहना है कि डीजल और पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी में अचानक कटौती करने से उन्हें नुकसान उठाना पड़ा है। सरकार ने जैसे ही ड्यूटी कम की, पेट्रोल और डीजल दोनों की खुदरा कीमतों में एक झटके में कम हो गई। डीलर्स का कहना है कि उन्होंने एक दिन पहले अधिक कीमत पर पेट्रोल और डीजल का स्टॉक खरीदा था। ड्यूटी में कमी के बाद उन्हें कम भाव पर बेचना पड़ गया। इसके अलावा डीलर्स ये भी कह रहे हैं कि साल 2017 के बाद मार्जिन में कोई बदलाव नहीं किया गया है, इससे भी उन्हें नुकसान ही हो रहा है। महाराष्ट्र के डीलर्स इन मांगों को लेकर मंगलवार को पेट्रोल डीजल ना खरीदने और ना ही बेचने का ऐलान किया है। वहीं फेडरेशन ऑफ ऑल महाराष्ट्र पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने कहा कि राज्य में करीब 6500 पेट्रोल पंप हैं और मंगलवार के विरोध में सभी हिस्सा ले रहे हैं। एसोसिएशन का कहना है कि 2017 के बाद से कमीशन को एक पैसा भी नहीं बढ़ाया गया है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने टैक्स अचानक कम कर दिया, जिसके चलते महाराष्ट्र के पेट्रोल पंपों पर 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। उन्होंने केंद्र सरकार से इस नुकसान की भरपाई करने की मांग की है। इसी तरह तमिलनाडु के पेट्रोल पंपों ने मंगलवार को सरकारी कंपनियों से तेल नहीं खरीदने का फैसला किया है। डीलर्स का कहना है कि इससे सरकारी कंपनियों का मंथली टारगेट पूरा नहीं हो पाएगा। डीलर्स ने कहा कि पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में हालिया कटौती से हर पेट्रोल पंप को 3 लाख से 15 लाख रुपए तक का नुकसान हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार को एक झटके में एक्साइज ड्यूटी कम करने के बजाय इन्हें धीरे धीरे कम करना चाहिए था, इससे पेट्रोल पंप चलाने वालों को कम नुकसान होता। महाराष्ट्र और तमिलनाडु की तरह लगभग हर राज्य के डीलर्स एसोसिएशन ने मंगलवार के विरोध में शामिल होने का ऐलान किया है। अगर पेट्रोल पंप मंगलवार को स्टॉक नहीं खरीदते हैं तो कई पेट्रोल पंप अगले दिन बुधवार को सूखे रह सकते हैं। इसके अलावा मंगलवार को कई डीलर्स ने पेट्रोल डीजल नहीं बेचने का फैसला भी किया है। इससे देश भर के लोगों को इस सप्ताह 2 दिन पेट्रोल डीजल भरवाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।